और 41 जो है वह रो रहा है, वीपिंग ओडस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्यूशन एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, जिसे बोलते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व। दोस्तों सबसे बेसिक बातें यहाँ पे कि जो बिल्कुल नए लोग हैं वो जानते रहे, भाग चार में अनुच्छेद 31 से 51 तक, ठीक है, लिया क्या है डीपीएसपी है भाग चार, भाग क्या होता है सारी पहले वीडियो में आपको बात हो चुकी है, ठीक है। फिर आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कि किस देश से डीपीएसपी लिया गया है, तो वो हो जाएगा आयरलैंड। उसके बाद यहाँ ले पूछ सकते हैं ना किस देश के संविधान से क्या लिया गया। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने इसको इसलिए वजह से लिखा है, देखिए भूल चुका था, मैंने इस वजह से लिखा है कि हम एक वीडियो यहाँ पर सेपरेटली ऐसे बना देंगे कि किस देश के संविधान से कौन सी चीजें ली गई हैं, जैसे किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, ये आप स्वयं से भी पढ़ लीजिए। उसके बाद मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, या कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से मौलिक अधिकार लिया गया है, इसका नाम आप कमेंट में करके बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके इतिहास के बारे में जरा सा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये आया कैसे, तो इस चीज को समझने के लिए जो है जरा सा देखते हैं कुछ बातें। पहली चीज तो इसकी मांग की गई जो हमारे समाजवादी विचारधारा जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने मांग किया कि कुछ सामाजिक न्याय होने चाहिए लोगों के साथ, जैसे कि काम का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए एटसेट्रा, बहुत सारी बातें ऐसे हुई आदि होने चाहिए। तो एक संविधान सभा के हमारे सलाहकार थे जिनका नाम था श्री बेनेगल नरसिम्हा राव, श्री बेनेगल नरसिम्हा राव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं श्री बी एन राव, ठीक है, बी एन राव। उनका पूरा नाम क्या था? श्री बेनेगल नरसिम्हा राव। तो इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा को सलाह दिया और कहा कि, और इनका सलाह मान भी लिया गया, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि दो तरह के अधिकार हम लोगों को देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दो अधिकार वर्णित करना चाहिए। एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो प्रवर्तनीय हो, प्रवर्तनीय का मतलब, अगर मैंने पहले के लेक्चर में भी इस वर्ड का यूज किया था, अगर कहीं पे आपका वायलेशन होता है, आपके राइट का वायलेशन होता है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट जाए और कोर्ट आपको न्याय दे दे, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए था अप्रवर्तनीय, अप्रवर्तनीय मतलब यह राज्य का कर्तव्य होगा कि यह लोगों को वो चीज डिलीवर करे, ठीक है, पर उसके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो यही जो भाग चार बना इसी में क्या आ गया, इसी में आ गया डीपीएसपी, और जो भाग तीन था वो क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। और हालांकि इसी डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें जो है बदलाव होती रही। आगे आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 42 में 39 का जोड़ा गया है, 39 क्या का क्या है मैं आपको अभी से बता दूं कि यह है जो निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, फ्री लीगल एड। 43 का जोड़ा गया, 48 का जोड़ा गया, बाद में फिर बताया जाएगा। 44 में जोड़ा गया 38 की भाषा, और उसके बाद दोस्तों 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 का और 5 ये शिक्षा के लिए था, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दोस्तों यहां से 97, तो इसको हिंदी में बोलते हैं 97, ठीक है, और 97 और सा से 97 सही से बना लीजिएगा, 97 और सा से सहकारी समिति, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया, सहकारी समिति। और क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं कि सहकारी समिति का गठन, उनका प्रचालन, उनका नियंत्रण और उनका प्रबंधन किया जाएगा। आते हैं दोस्तों आगे, आगे राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात है, ये मैंने बता दिया आर्टिकल 36 से 51 तक भाग चार में कुल 16 अनुच्छेद, अरे 36 से 51 तक गिनिएगा 16 आएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं सभी आर्टिकल के साइड में एक लेटर लिखूंगा एस, फिर कहीं कहीं जी लिखूंगा, कहीं कहीं एल लिखूंगा। एस का मतलब जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे, जो गांधीवादी विचारधारा से और जो उदारवादी विचारधारा से। समाजवादी का अर्थ क्या है, समाजवादी का अर्थ है जो चीजें समाज में, समाज के लिए हो, जैसे समान न्याय हो लोगों को, ठीक है, तो इस तरह की जो बातें करेगी, जो इक्वालिटी और इन सब की बातें करेगी, वो समाजवादी है। गांधीवादी क्या है, गांधीवादी जैसे पंचायत हो गया, पशुओं का हो गया, ये सारी चीजें गांधीवादी होंगी। और उदारवादी क्या है, जिसकी जो योग्यता है उस अनुसार वह कार्य करे, एक बेसिक मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला दोस्तों आर्टिकल है आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 आपको 36 से 51 तक यहां पढ़ना है। मैं पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल 39 मैं अभी नहीं बताऊंगा, आर्टिकल 39 आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा,
क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तृत है और उसी में नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 36 प्लस थोड़ी चीजें और जो डीपीएसबी से रिलेटेड मेन से रिलेटेड है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या कहता है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है किस भाग के लिए, भाग चार के लिए, मतलब कि डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा है। तो अब दूसरी बात कि डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा क्या होगी, यहीं तक लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप नीचे देखिए वही होगा जो भाग तीन में है। भाग तीन में राज्य की परिभाषा थी, आते हैं आर्टिकल 37 में। दोस्तों इसका जो पीडीएफ होगा ना, पीडीएफ एक्चुअली ये मेरा हैंड रिटन है, तो इसका पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहां से ये नोट्स रख सकते हैं, फोटोकॉपी करा लें या ऐसे ही रखे रहें, कभी आपको तुरंत रिवीजन करना हो तो आर्टिकल देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो है आर्टिकल 37 में देखते हैं कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी ना होते हुए भी, कभी कभी प्रश्न पूछता है क्या प्रवर्तनी है डीपीएसपी या नहीं, तो आप आर्टिकल 37 की लैंग्वेज देखिए, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भैया यह प्रवर्तनी नहीं है। उसके बाद लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, देश के शासन में मूलभूत होंगे, मतलब कि यह बहुत फंडामेंटल है, बहुत मूलभूत है, इसको जो है यूज करना चाहिए राज्य को, हालांकि यह प्रवर्तनी नहीं है। कि जैसे अगर कोई, अब डीपीएसपी इसके आगे मैं पढ़ने वाला हूँ क्या क्या हमें राज्य को करना चाहिए हमारे वेलफेयर के लिए, तो अगर नहीं करता है तो हम जाके कोर्ट नहीं जा सकते, पर फंडामेंटल राइट में क्या था, जैसे अगर वो वायलेट करते हम तुरंत कोर्ट पहुंच जाते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 31 के दोस्तों दो पार्ट हैं, एक और दो, और यहाँ एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है समाजवादी, इसमें लक्षण मिलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एस लिख दिया तो जी नहीं और एल नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि जी एल भी हो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो दो पार्ट है, पहला पार्ट है 1 और 2। पहले पार्ट में है दोस्तों कि राज्य जो है, राज्य लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे आर्थिक सामाजिक, ये सा लिख दिया मैंने, बाद में सोचा पूरा लिखना चाहिए था, ये सामाजिक है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय हो सके। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 38(2) क्या है, असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां ये सारी बातें राज्य के लिए है कि राज्य को कहा जा रहा है, असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगी जिससे आय सुविधाओं और अवसरों का जो असमानता है वो दूर हो सके। तो सबसे पहली बात, असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगी, कौन किस किस मामले में, आय सुविधा और अवसरों को। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, आगे क्या आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर, अब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 39 जो है हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 39 जो है बाद में पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 40 देखिए, आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत एक प्रकार से विजन था, सपना था किसका, ये सपना था गांधी जी का। इनका मानना था कि जो देश का प्रशासन है वो पंचायत से उठ के जो है निकले, मतलब जो हमारा देश का हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ कंट्री है, वो पंचायत स्तर से जाए, कुछ पंचायत में पहले पंचायत सदस्य का चुनाव हो, फिर वो सदस्य अपने मुखिया का चुने, फिर ऐसे ऐसे कई सारे पंचायत मिलके, जैसे ये छोटे छोटे पंचायत मिलके एक बड़ी जगह इकट्ठे हो, फिर वहां से चुना जाए, ऐसे ही 4-5 बड़ी जगहों की चीज ऐसे मिलकर, तो ऐसे देश का जो शासन है ऐसे चले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहां पर ग्राम पंचायत के बारे में बात है, तो इस वजह से आप जान लीजिए इसमें कौन सी विचारधारा मिलती है, गांधीवादी। तो ग्राम पंचायत का हमें संगठन करना, शक्तियां एवं प्राधिकार देना, तो ग्राम पंचायत को ऐसे संगठित करना है, उनको प्राधिकार देना है जिससे वो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। तो बेसिकली आप ये जान लें, ग्राम पंचायत का गठन, शासन की इकाई के रूप में कार्य करें, और इसके लिए जरूरी है हम उनको कुछ अधिकार दें। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों आर्टिकल 41 में, एस का मतलब है समाजवादी, एस का मतलब है यहाँ समाजवादी लक्षण है। ठीक है, और इसको याद करने के लिए दोस्तों आप 41 को एक ऐसा इंसान समझिए, आप आर्टिकल 41 को ऐसा समझिए, कोई आदमी है जिसका नाम है 41, ऐसा कोई आदमी है जिसका नाम है 41, और 41 जो है वह रो रहा है, वीपिंग ओडस। ओडस क्या है एक्चुअली, ओडस एक आप मैं एक वेब सीरीज है जिसमें ओडिन, उनके देवता ओडिन हुआ करते थे, तो मैंने वहीं से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ओडस बना लिया है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 41 वीपिंग ओडस, तो यहाँ पे आप देखिए W से हो गया वर्क, E से हो गया एजुकेशन, P से हो गया पब्लिक असिस्टेंस, मतलब लोक सहायता, चलो हिंदी में लिख देता हूँ लोक सहायता। ठीक, ये हो गया। उसके बाद शिक्षा, काम तो लिखा ही है,
और ओडस में देखिए ओ से हो गया ओल्ड एज, डी से हो गया डिसेबलमेंट मतलब कि जो दिव्यांग वगैरह हो, अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब हो गया बेरोजगार, सिकनेस से हो गया जो बीमार हो। तो अब इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा है इसका ये पढ़िए, कुछ दशाओं में अब उनको एक्सप्लेन किया गया कौन सी दशा थी, ओडस ओल्ड डिसेबलमेंट असक्तता, यू से अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस से बीमारी की दशा में कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो भाई साहब आप सोचिए जरा सा, अब देखिए आपके मेंस में एक पोर्शन है समाज व्यवस्था क्या है, सोशल पोर्शन आता है ना, जहां पे भी हमें सोशल पोर्शन आएगा आप मान चलिए आपको डीपीएसपी एकदम अच्छर सा याद होना चाहिए जिसमें आप फटाक से पुट कर सकें, या आपको कोई एक्ट याद आया कि कई सारी योजनाएं हैं तो ऐसी योजनाओं में आप फटाक से जो है नाम लिखिए और बताइए कि यह हमारे फला आर्टिकल को फुलफिल भी करता है, और ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, वह आज अधिकार के रूप में मतलब उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ऐसी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। इस वजह से ना होता क्या है कि जो अभी जो नए हमारे मित्र हैं जो तैयारी करते रहते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से कहीं कहीं हमें चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो याद करने के लिए क्या है, 41 एक आदमी था जो कि रो रहा था और हम किसी को बता रहे हैं 41 वीपिंग ओडस, तो ओडस हो गया, ये आप याद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं 42 में, और सेम चीज दोस्तों 42 को भी आप एक वुमेन समझिए कि 42 क्या है, एक औरत है, और यहाँ पे देखिए मैंने पेट उसका कैसे बनाया हुआ है कि 42 इज प्रेग्नेंट, यू कैन इमेजिन, ये ऐसे मैंने बनाया हुआ है ये और ये बीच में प्रेग्नेंट ऐसे बना दिया है कि ये प्रेग्नेंट है। तो ठीक है, 42 इज प्रेग्नेंट, तो 42 इज प्रेग्नेंट है, तो मतलब प्रेग्नेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रसूति। तो थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे, हिंट लग जाएगा, चूंकि हमें अगर वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधे टिक मार के आगे भागना है कि नहीं, टिक मार के आगे भागना है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 42 इज प्रेग्नेंट। अब इसकी शब्दावली को ध्यान देते हैं, राज्य 42 में क्या लिखा गया है, राज्य काम की न्याय संगतता और प्रसूति सहायता मतलब मैटरनिटी। तो आप जानते होंगे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनको कुछ दिनों के या महीने का जो है मैटरनिटी लीव देते हैं, तो एक प्रकार से यह सहायता तो हुई है, और काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का भी उपबंध किया जाता है। आर्टिकल 43 पे आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 43 यहाँ पे भी एस लिखा हुआ है, बाकी आप छांट सकते हो, आपको याद रहेगा आप छांट लोगे। एक 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, उसमें 43 का जोड़ा गया, एक 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें 43 खा जोड़ा गया, 97 सहकारी समिति याद रखना है, कुछ नहीं गठन प्रबंधन और ये सारी चीजें इसमें थी। तो सबसे आते हैं 43 पर, 43 क्या कहता है, राज्य कर्मकारों और कुटीर उद्योगों को, कर्मकारों वाली बात अलग, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। एक मतलब 43 को अगर हम डिवाइड करके, चूंकि इतना क्लिष्ट लिखा होता है मित्रों तो उसको ऐसे डिकोड करना बहुत जरूरी है, तो राज्य जो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। कुटीर उद्योग से संबंधित किससे हैं, 43 में है, ठीक है। अब राज्य जो है कर्मकारों को एक निर्वाह मजदूरी लिविंग वेजेस मतलब कि ऐसी मजदूरी देगी जिससे उनका जीवन गुजार बसर हो जाए, शिष्ट जीवन स्तर प्रोवाइड करेगी और अवकाश भी देगी, इसकी व्यवस्था करेगी। अच्छा, शिष्ट जीवन स्तर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, शिष्ट जीवन स्तर को इंग्लिश में कहेंगे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब आते हैं दोस्तों 43 का पे, 43 का है सोशलिस्ट, यह भी है जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और इसमें क्या गया है कि राज्य ऐसा विधान बनाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज्य, देखिए दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, डीपीएसपी राज्य के लिए है, मतलब राज्य को करना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है वहां पे। तो राज्य ऐसे विधान बनाएगी जिससे उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए, मतलब जो कोई उद्योग है तो वहां का जो मैनेजमेंट होगा उस मैनेजमेंट में कुछ वहां के वर्कर भी शामिल हों। क्या ऐसा होता है, कई सारी मूवी वगैरह जिसमें धरना वगैरह देने लगते हैं फिर क्या क्या सीन है, तो मतलब ये बात सही है, अच्छा है, क्योंकि उनके विरोध की बातें होंगी तो देखेंगे, बशर्ते कि ऐसा ना हो कि पता चला जो यहाँ संगठन था इन लोगों का इसमें से एक आदमी गया बाहर और जो मालिक लोग थे भाई जो इनको प्रबंधन में बैठे इनको थोड़ा सा पैसा दिए, ये कहे चलो ठीक है मान गया बात, तो ऐसी चीजें भी देखने में आती हैं, तो ये ड्रॉबैक एक थोड़ी सी है। उसके बाद दोस्तों आते हैं आर्टिकल 43 खा पे, जो कि 97 और सहकारी समिति कॉन्स्टिट्यूशन में 2011 में ये आया था, और यहाँ पर है कि हम सहकारी समिति का गठन करेंगे, कैसा गठन, स्वैच्छिक गठन, वॉलेंट्री फॉर्मेशन, स्पेलिंग में TARY होगा,
उसके बाद उसका ऑटोनॉमस प्रचालन करेंगे, स्वायत्त प्रचालन, ऑटोनॉमस, कोई उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं। लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जो पेशेवर हो। तो सहकारी समिति के बारे में आपको यहाँ पे आर्टिकल मिलता है। मूल संविधान में था सहकारी समिति, नहीं, इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर आते हैं दोस्तों आर्टिकल 44 पे। आर्टिकल 44 लिबरल है, ठीक है, उदारवादी है। ये बात करता है समान सिविल संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखो दोस्तों, इसको याद करने का हर कोई आदमी एक ही तरीका बताता है और मैं भी वही बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म, और ये 44 देखो, यूनिफॉर्म 1414, भाई दोनों 44 में यूनिफॉर्मेलिटी है कि नहीं? 1414, ये 4, ऐसा होता 45 तब तो यूनिफॉर्म नहीं था। तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखने में भी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, ठीक है, करता है। अच्छा, ऐसी चीजें होती क्या है, समान सिविल कोड। अच्छा, सिविल कोड क्या है? सिविल मामले वो होते हैं जैसे जो शादी विवाह, तलाक और ये सारी चीजें सिविल होती हैं। मारपीट कर लोगे तो वह आपराधिक हो जाएगा, सिविल नहीं होगा। तो जैसे मान लो अब हिंदू मैरिज लॉ एक्ट है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में आप जो है अगर किस तरीके से संबंध विच्छेद करना है, शादी और ये सारी चीजें लिखी गई हैं। पर कई धर्मों में क्या है, अलग अलग है। तो इसी की बात होती है कि भाई एक देश है तो एक ही सिविल कोड होना चाहिए। जैसे उनके यहाँ शादी विच्छेद करना है, वैसे वहां विच्छेद करना है। जैसे यहाँ मामले हैं तो कुछ हद तक सेम किया जाए, तो यही मांग करता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 55 पे आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 55 पे आते हैं। यहाँ पे एक मैंने आर्टिकल 45 पे आते हैं 45। अच्छा, प्राइमरी स्कूल कहाँ तक होता है? प्राइमरी स्कूल होता है कक्षा 5 तक, ठीक है। और इसमें एडमिशन की जो एज होती है वो कितनी होती है, बच्चा जो है 5 या 6 साल से अधिक का हो। तो बस ऐसे ही एक याद करने के लिए मैंने यहाँ पे आपका बनाया है। तो यहाँ पे देखिए कि जो राज्य शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा देने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष से कम, क्योंकि 6 से 14 के लिए तो बना ही हुआ है, तो उससे पहले क्या होगा? तो ये जो है, और ये यहाँ पे आर्टिकल की शब्दावली में परिवर्तन किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 45। उसके बाद आते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में यहाँ मैंने जो ट्रिक बनाया इसमें क्या था, प्राइमरी स्कूल के लिए 6 वर्ष से, एक हम 6 मान लेते हैं, 6 वर्ष से ज्यादा एज होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 46, इसको याद करने का जो ट्रिक है, 46 यस से शुरू हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी शिक्षा की बात है, लेकिन वह किसके लिए है, एससी एसटी और अन्य पिछड़े जो वर्ग हैं। तो यहाँ पर अन्य दुर्बल वर्ग हैं, तो यहाँ पर सॉरी आवाज आ रही है, चलिए, तो यहाँ पर आर्टिकल 46 कहता है एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए राज्य जो है उनकी अभिवृद्धि करेगी, किस किस मामले में प्रमोशन करेगी, शिक्षा और अर्थ संबंधी, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका जिसमें हो, और रक्षा किया जाएगा उनका हर तरह के शोषण से। तो ठीक है, आर्टिकल 46 की शब्दावली अगर आप देखिए तो उसमें लिखा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य, और हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। तो बिल्कुल आसान है, 6 एससी एसटी के बारे में है, शिक्षा, तो मतलब 45 भी शिक्षा से संबंधित था, 46 भी शिक्षा से संबंधित था, बस यहाँ पे एससी एसटी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 पे देखिए मैंने एस और जी दोनों लगाया है, मतलब सामाजिक भी है और गांधीवादी भी है। तो 47, अच्छा 7 को अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो थोड़ा सा मतलब सेवन कर सकता हूं। सेवन का मतलब कुछ चीज का लेना, ड्रिंक वगैरह करना या खाना पीना या सेवन। तो 47 कहता है कि हमें मद्य पदार्थ वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, भाई सेवन नहीं करना, तो याद रहेगा यह भी। तो इसमें क्या है, राज्य जो है लोगों का पोषा आहार स्तर, मतलब न्यूट्रिशन का लेवल, जीवन स्तर को बढ़ाएगा, लोक स्वास्थ्य का सुधार करेगा, सेवन का प्रतिषेध किया है मादक पेय का और हानिकारक नशीले पदार्थों का। अभी देखिए ये पदार्थ जो है इसको लेके बॉलीवुड बहुत घिरी हुई थी। अगले पे आते हैं आर्टिकल 48। अच्छा, यहाँ पर भी याद करने का एक जबरदस्ती सी बात हो गई है कि आपको 48 काऊ याद रखना है। 48 काऊ मतलब कोई किसान था जिसके पास 48 गाय हैं, और यहाँ पर लिबरल भी है, गांधीवादी भी है। यहाँ पर 48 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है जो कृषि और पशुपालन के संगठन बनाएंगे, कैसे संगठन, कृषि और पशुपालन के, उनका जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार होने चाहिए। आप इसकी शब्दावली पढ़ेंगे बिल्कुल यही कि राज्य
कृषि और पशुपालन के संगठन ऐसे बनाएंगे जिनका आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार होंगे, और नस्लों का सुधार करना है। कौन कौन से नस्ल? गाय के, बछड़ों के, अन्य दुधारू पशुओं के और वाहक पशुओं के, खच्चर वगैरह, वह इनके वध को प्रतिषेध करेंगे। तो कई सारे राज्यों में इनके जो वध है उनको प्रतिषेध लगाया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल को फुलफिल करता है? आर्टिकल 48 को। आगे आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का मतलब 48 का या 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, इसमें पर्यावरण के लिए है। तो अगर पशुपालन करेंगे तो पर्यावरण में भाई फायदेमंद है उनकी खाद वगैरह, तो राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। फिर 48 मतलब कि 48 जो है टोटल गाय, और गाय के साथ साथ फिर पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडफुल है। आर्टिकल 49 देखिए, ये लिबरल है। फिर लिबरल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि हमें जो है ये चीज करना है। उसके बाद आर्टिकल 50 पे आइए दोस्तों। आर्टिकल 50 ये भी लिबरल है। राज की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा। तो अच्छा, ये 50 मतलब भैया आधा आधा, 50 मतलब 50-50, आधा आधा। तो इसका ये मतलब, इससे आप याद कर सकते हो कि भैया कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में जो है क्या होगा, लोक सेवाओं में पृथक पृथक होंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 51, 51 रुपए दे दो पंडित जी शांत रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कर, ठीक है। मजाक है, याद करने के लिए दोस्तों, यहाँ कोई मतलब कोई टिप्पणी नहीं है ऐसा। तो इसको पढ़ने के लिए क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम ट्यूशन एंड ट्रिक्स है, पर एक्चुअली शुरुआत में मैंने इसका नाम अपने ही नाम से रख दिया था, गोविंद क्लासेस। तो ऐसे में क्या है कि अभी भी वही चेंज नहीं हुआ अच्छे से, तो ऐसा कंफ्यूजन की स्थिति ना उत्पन्न होने पर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।